जो मैं कह रहा हूं आपको दायरे के हिसाब से चक डी क्लैंप करने के बाद, क्लैंप का मतलब है लाइट ऑन हो जाएगी। ये लाइट ऑन हुई तो इस डी क्लैंप का मतलब है कि अब डी क्लैंप है। डी क्लैंप के कंडीशन में अपने जॉब हो गया आपका। डी क्लैंप एंड क्लैंपिंग को फ्री मोशन जाना चाहिए डी क्लैंप के कंडीशन में। अच्छा, फ्री मोशन टचिंग करते हो और क्लैंपिंग के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। क्लैंप करेगा तो फिक्स हो जाएगा। कितना एमबी ये कर लेता आपके वाले का क्लैंपिंग एंड डी क्लैंपिंग है ना, चेक ओपन क्लोज। क्लैंपिंग एंड डी क्लैंपिंग जो है चेक ओपन क्लोज से है ना। केवल 5 mm सचिन का यहाँ पास में आना तो भी सर चेक को ओपन क्लोज करना है तो क्लैंपिंग ऑन हो। एक नंबर बड़ा गया है तो आगे देखते हैं। और आगे आज देख का एकदम सब को नहीं होगा सर, ये दो बार में हुआ है कभी वो तो नहीं, एक बार में कहाँ याद है। स्पेस नहीं है तो इतनी सारी चीजें हैं ना। ये पुरुष के में आ जाएगा बेटा। हां जी थोड़ी और हाँ हाँ थोड़ी छोटी छोटी और एक कपड़ा निकाल के लो। ये लो थोड़ी ये जो टीथ होते हैं ना इसके, ये काउंट करते हैं उसके बाद एक बार रोटेट करके अंदाजा लगा। जब में जॉब की सेटिंग हो गई ना, मतलब जो भी साइज की जॉब है ना हमारे, उससे हमें 5 mm ज़्यादा खोलना है उसकी सेटिंग कर रही है। सुनो एक मिनट, सिर्फ 3 महीने ट्रेनिंग लो आप, फिर बाहर पीछे आ जाओ, दोबारा बताते हैं सारा काम और रिकॉर्ड हो जाओ, फिर सारे देख लेना, जिसको जो डाउट है वो समझ लेना। रिकॉर्डिंग हो रहा था सर, उसके बाद जिसको जो डाउट होगा हाँ वो देख ले। एक बार मैं ऐसा बता रहा हूँ तो रेडी होने दो। पहले एमसीडी ऑन करेंगे यहाँ से, साइलेंस साइलेंस बस, उसके बाद ये स्विच रोटेट करेंगे टॉप पोजीशन पे, लोड होगा स्टॉक है, इसको हम रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद रीसेट दबाएंगे। अब आवाज़ आएगी पीछे तो हाइड्रोलिक ऑन हो गया हमारा, अब हमारा सब रेडी है। अब इसमें क्या है, ये आपके अलग अलग मोड्स हैं टूलिंग के, ऑटो एडिट MDI, ये हमें यूज़ नहीं करना है, रिमोट कोई यूज़ नहीं हमारा, ये रेफरेंस ये जॉब। ऑटो को हम यूज़ करेंगे जब हमें मशीन ऑटो में चलानी है, कोई जॉब कंटिन्यूशन में ऑटो में प्रोडक्शन करनी है। एडिट हम यूज़ करते हैं जब कोई प्रोग्राम हमें क्रिएट करना हो या मॉडिफाई करना हो।
MDI होता है मैनुअल डेटा इनपुट, इसको हम मैनुअली कोई डेटा इनपुट करके कमांड के थ्रू मशीन ऑपरेट करना हो उसके लिए होता है। रेफरेंस होता है मशीन रेफरेंस करने के लिए एक्स और जेड एक्सिस को होम पोजीशन पर ले जाने के लिए। जॉग में हम मैनुअली कीपैड के थ्रू मशीन ऑपरेट कर सकते हैं बेसिक फंक्शन। अब ये जॉग में ये जेड माइनस है, मशीन के स्पिंडल की तरफ जो मूवमेंट होगा वो माइनस होगा, स्पिंडल से जो दूर जाएगा वो प्लस होगा। सिमिलरली ये हमारा जेड मूवमेंट है जेड माइनस, ये हमारा एक्स प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे ये डायग्राम है इसका। अब ये मैं रेफरेंस कर रहा हूँ इसको, रेफरेंस का बटन मैंने दबाया, कभी भी सबसे पहले x प्लस दबाना है हमें। अब ये इसके बाद z प्लस, अब ये हो गया हमारा, ये है हमारा इंक्रीमेंटल मोड, ये है हैंडल मोड, ये हमें यूज़ नहीं करना है, ये सिंगल ब्लॉक, ये ब्लॉक स्किप, ये ऑप्शनल स्टॉप, ये रीस्टार्ट है प्रोग्राम रीस्टार्ट, ये हमें यूज़ नहीं करना, ये मशीन लॉक भी हमें यूज़ नहीं करना, ड्राई रन भी हमें यूज़ नहीं करना है, ये साइकिल स्टॉप कोई साइकिल स्टॉप करने के लिए है, ये साइकिल स्टार्ट कोई साइकिल स्टार्ट करने के लिए, ये प्रोग्राम स्टॉप, ये जॉग मोड में स्पिंडल रोटेशन के लिए, अगर मैं जॉग दबा दूंगा ये चेक क्लैंप का है, लाइट ऑन है तो इसका मतलब चेक क्लैंप का सिग्नल ऑन है, ये रोटेट करेगा। पहले इसमें MDI में कमांड डालनी पड़ेगी। G97S जो भी RPM हमें चाहिए, सपोज 500, M03 डायरेक्शन है, एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट G97S500M03। G97 RPM का कमांड है, S500 RPM कितना चाहिए, M03 CW डायरेक्शन। हम M03 और M04 कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने यूज के लिए। अब मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबा दूंगा, ये स्पिंडल रोटेशन में आ गया आपका, इसको स्टॉप करना है आप रीसेट दबा दो। और सपोज जॉग में स्पिंडल रोटेट करना है तो आप जॉग का बटन दबा दें, यहाँ पे जॉग दबा के ये दबा दो, यहाँ से भी स्टॉप हो जाएगा। मशीन में कभी भी कुछ एबनॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ लगता है गड़बड़ हो रही है तुरंत आप एमरजेंसी दबा दीजिए, वो सर मशीन वही होल्ड हो जाएगी आपकी, फिर उसको रिलीज करने के लिए उसे रोटेट करके फिर रीसेट दबा दें। सपोज मेरा स्पिंडल चल रहा है अभी, मेरे को लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया, इमीडिएटली मैंने ये दबा दिया वहीं पर मशीन होल्ड हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो भी मेरे को करना है मैं पहले इसको रिलीज करूँगा, फिर जॉग मोड में आके अब एक्स प्लस, ये आपका x प्लस ओवर ट्रैवल का अलार्म है, ये आएगा जब मैक्सिमम पोजीशन में टॉप साइड पे x की स्लाइड चले जाएगी, इसको रिलीज करने के लिए आपको स्लाइड नीचे लेनी पड़ेगी थोड़ी, ये स्लाइड नीचे लेनी पड़ेगी, और इसको रीसेट करेंगे हट जाएगा। ये आपका z प्लस ओवर ट्रैवल है, इसमें आपका मतलब है कि जेड में मैक्सिमम चले गया, इसको रिलीज करने के लिए जेड माइनस में थोड़ा सा लेना पड़ेगा रिसेट दबा दो। ये आपके स्पिंडल की स्पीड कंट्रोल करने का स्विच है, 50% से लेके 120%। सपोज अगर हमारा 1000 RPM है, इसको 50 पे रखेंगे तो ये 500 चलाएगा, 100 पे रखेंगे तो 1000 चलाएगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा 60% 70%। ये हमारा फीड का है, फीड हम 0 से लेके 120% तक कितने पे भी चला सकते हैं। ये यूज़ करते हैं कंपोनेंट सेटिंग के टाइम पे, जब पहला कंपोनेंट चलाते हैं तो स्लोली स्लोली चलाना होता है, उसके लिए नॉर्मल कंडीशन में 100 पे ये भी रहेगा ये भी रहेगा। ये हमारा है मैनुअल पल्स MPC का, हैंडल का, हैंडल में लेने के लिए हमें पहले हैंडल दबाएंगे, इसको आप 100 पे रखेंगे, फिर X सेलेक्ट करने के लिए X दबाना पड़ेगा, या तो आप X ये वाला दबा दें या ये वाला कोई सा, उसके बाद इसे आप रोटेट करेंगे तो X में मूवमेंट चलेगा आपका। Z के लिए आपको Z करना पड़ेगा, कभी भी मशीन मैनुअली ऑपरेट कर रहे हो तो हैंडल से ही करें, क्योंकि हैंडल से कंट्रोल में रहती है, ओवरशूट नहीं करेगी, कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये है मशीन का पोजीशन, इसमें आपको अलग अलग पेज मिलेंगे एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट होता है जो आपका टूल का रेफरेंस होता है, टूल और कंपोनेंट का एक्चुअल रेफरेंस, कि टूल के हमारे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में टूल कहाँ पे है, और हमें हमेशा एब्सोल्यूट को ही कंसिडर करना है। अगर एब्सोल्यूट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें ऑफसेट लेके सेट करना पड़ेगा। ये है रिलेटिव, ये रिलेटिव हम अकॉर्डिंगली कहीं पर भी कितना भी सेट कर सकते हैं कि इसका आपको यूज अभी होगा नहीं कोई। ये है ऑल मशीन होता है आपका, जो मशीन की पोजीशन होती है, अगर मैं इसको रेफरेंस कर दूंगा, मशीन पोजीशन ज़ीरो हो गई, ये हाँ ये होम पोजीशन पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लूँगा तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें केवल एब्सोल्यूट पे फोकस करना है, एब्सोल्यूट पे ही वो करना है। टूल कहाँ पे फिट करेगा? टूल अभी मैं करता जॉब तो इस पर फिट हो गया, चेक टूल इस पर फिट हो गया। ये प्रोग्राम है हमारा, कोई भी प्रोग्राम हमें कॉल करने के लिए एडिट मोड में आके एडिट की ऑन करके प्रोग्राम दबा के प्रोग्राम की लिस्ट आ जाती है, जिसके ऊपर ये अल्फा का सिग्नल सिंबल है वो प्रोग्राम हमारा सेलेक्टेड होता है। अभी हमारा 0010 सेलेक्टेड है। अब मैं 11 सेलेक्ट करना है तो ऑपरेटर दबाऊंगा, ऑपरेटर दबा के मेन प्रोग्राम ऑपरेटर हाँ OPRT मीन्स ऑपरेटर मेन प्रोग्राम। अब ये 11 पे आ गया। सिमिलरली 1515 करना मुझे तो मेन प्रोग्राम, अब ये आ गया। तो ये 1515 किस जॉब से रिलेटेड है? वो आपको सर 0 किस रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको रजिस्टर में कि मेरा 15। अगर मैं इसको खोलना है इस प्रोग्राम को, इनपुट दबा दूँगा इसमें, ये बेसिक कोई ड्राइवर का प्रोग्राम है, इसमें कुछ है नहीं, कोई शोर वोर कुछ नहीं चल रहा। इसके साथ आप नाम भी लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम का, वो मैं आपको बताऊंगा। कटिंग फेसिंग सेट करनी वो सारा हो जाएगा। ये है आपका ऑफसेट का पेज, इसमें दो ऑफसेट होते हैं, गियर ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट होता है जिसे हम यूज़ करेंगे जब हम टूल सेटअप कर रहे होते हैं, कॉम्पोनेंट सेट कर रहे होते हैं। एक बार वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद हमें वियर ऑफसेट ही यूज़ करना है, ज्योमेट्री पे कुछ नहीं करना। वियर ऑफसेट होता है जब हमारा टूल वियर आउट हो जाता है, साइज में वेरिएशन आता है 50 माइक्रोन 10 माइक्रोन, तो इसमें हम इनपुट करके कंपनसेशन दे देते हैं। और वियर ऑफसेट और ज्योमेट्री और वियर ऑफसेट फिर से अभी सर मैं टूल बांध के बताऊँगा। एक रिकॉर्डिंग मोड कर लेते हैं। एल की सेट चाहिए होनी चाहिए नीचे भी और साइड में। इसके 6 सिरे हैं सर, अलग अलग यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। 6 के 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, ऐसा ही है ना सर? 6 पॉइंट है इसके, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। 3 तो हैं, कई में ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। हाँ, ऊपर भी नीचे दोनों साइड होते हैं। इसके 6 पॉइंट यूज होने के बाद ख़त्म हो जाता है। हेलो, अच्छा उसमें एनकोडर के जो लिस्ट है, एनकोडर के जो नंबर लिखा है ना, वो पूरी डिटेल भेज दो। हमेशा x प्लस पहले करना है, ये तो 9 पे चला जाएगा। x प्लस का मतलब होता है
कभी भी चेंज होगा, रेफरेंस होम पोजीशन पे ही होगा। हाँ थोड़ा क्लियर कह दो, और कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर, और कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर, तो थोड़ा और क्लियर कह दो, बाकी सब ठीक है सर। ठीक है, टूल पोजीशन करेंट में चेंज करने के लिए हमेशा रेफरेंस पोजीशन पे ही होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। सपोज मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मैंने जॉब दबाया, करेंट जॉब दबाया, मैसेज आ जाएगा एक्सेस नॉट रेफरेंस फॉर करेंट इंडेक्स, इसका मतलब कि रेफरेंस पे नहीं है, तो हमें पहले रेफरेंस करना है। मैं पहले एक्स रेफरेंस करूँगा, रेफरेंस करूँगा अभी टूल हमारा पोजिशन पे है। अब इसको ऑफसेट लेने के लिए मैं अप्रोच करवाता हूँ, हैंडल ले लूँगा, जेड एक्सिस ले लिया, तो ऑन होगा। हाँ
और फिर थ्रो कर लिया एक साथ, ठीक है। आप ऑफसेट ले सकते हैं, पहले स्लिप थोड़ा पेपर में था, ऑफसेट थोड़ा सा रह गया, सीधा है सर कि हम जब टूल हमने बांध दिया अपना कंपोनेंट का जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसकी पोजीशन हमें डिफाइन करनी होती है सिस्टम में, और स्टार्ट पॉइंट हमेशा जेड को हम जीरो से लेकर चलते हैं कि जेड जीरो बताना होता है, जहाँ पे पीस हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, हमेशा प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाता है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है, तो ये जेड जीरो है हमारा, इसको हम जेड जीरो डिफाइन करेंगे, इसके डाया पे टूल टच करा के एक्चुअल डाया डाल देंगे तो उसे पता चल जाएगा कितना है। ये मैंने बिल्कुल आधे एमएम के करीब का गैप ले लिया सेफ्टी के लिए, इसको मैं जेड जीरो दूंगा, यहाँ पे ऑफसेट में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, टूल नंबर हमारा दो है तो दो नंबर में मैं डालूंगा, टी और टी जीरो टू, तो हमें जाएंगे ज्योमेट्री में जाएंगे, फिर हम लिखेंगे जेड जीरो पॉइंट जीरो, क्योंकि हमें जीरो पोजीशन बता दी है पे, उसके बाद हम मेजर करवाएंगे, मेजर मेजर, और ये अलार्म हमारा राइट प्रोटेक्ट, ये एडिट की है, जब तक इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कुछ एडिटिंग नहीं हो सकती इसमें, और इसमें मैं दोबारा मेजर करवाता हूँ, ये इसने ले लिया, और सिमिलरली मैं गाय के ऊपर जाऊँगा, डाई के लिए मैं डालूंगा एक्स 30.0 मीटर, कभी भी टूल अप्रोच करा रहे हैं मैनुअली कंपोनेंट के साथ तो इसको 10 पे रखना है, 10 पे है कि एक ग्रेजुएशन 10 माइक्रोन तो वो स्लोली चलेगा, तो टूल टूटने का रिस्क नहीं रहता कभी भी ये पॉइंट सेफ्टी। अब इसके बाद मैं इसको रेफरेंस कर देता हूँ प्रोग्राम में, एमडीआई में आके मैंने कॉल किया टूल टी 0202 एंड ऑफ ब्लॉक इन सब साइकिल, यहाँ पे मेरा टूल आ गया टी 0202 मेमोरी में, इसके यहाँ पे आ गया, मैं इसको चेक करूँगा क्रॉस वेरीफाई कि मेरा ऑफसेट सही है कि नहीं, अब ये पोजीशन सही बताना चाहिए, अगर नहीं बताना तो मैं दोबारा ऑफसेट देना पड़ेगा, लगभग हमने लिया था सेफ्टी के लिए, नॉर्मली जब हम इंडस्ट्री में करते हैं तो हम टचिंग करवाते हैं, यहाँ पे मैं वैसे करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि गलती हो गई टचिंग के चक्कर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये ठीक है हमारा ये दिखा रहा है सही है, जेड तो सही है, आया दिखा रहा 29.83 तो ये भी ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑफसेट ठीक है, तो ये करने के बाद हमने प्रोग्राम मशीन में डाल दिया कोई भी प्रोग्राम, फिर उसको आप सिंगल ब्लॉक में चला सकते हैं, सिंगल ब्लॉक में क्या अभी इसमें प्रोग्राम है नहीं ये वाला, सिंगल ब्लॉक में कैसे चलाते हो मैं आपको दूसरे प्रोग्राम के थ्रू बता देता हूँ, अभी तो इसका एक स्टेप टर्निंग कर दो, वो प्रोग्राम आएगा तो करता हूँ, जब तक बेसिक ये समझा देता हूँ, देखता हूँ प्रोग्राम से मेरा कौन सा यूज हो सकता है, ये आपके पीछे
अंदर की क्लीनिंग कुछ ऐसे हो? अंदर की क्लीनिंग जब आपका मशीन का काम ख़त्म हो जाए बिफोर शटिंग डाउन, आप अच्छे से उसको कपड़े से वाइप कर दें या फिर ये कूलेंट ऑन कर दें। हल्का सा कूलेंट ऐसे चला के ज़्यादा नहीं, फिर कपड़े से वाइप कर दो बस, वो हो गया। उसमें से उसको निकाल लो और नीचे से छन के उसी में कंटिन्यू ये जाली में ऊपर ही रह जाएगा। इससे छोटे जो होंगे वो तो चले जाएंगे? नहीं, उससे आगे भी फिर एक और ड्रम है। तीन तीन जाली है, तीन तीन जाली। आप चिंता मत करो, आपसे ज्यादा हमारी टेंशन हो जाती है। हाँ नहीं तो पंप चलेगा ही नहीं, पंप ही नहीं चलेगा। आगे NRV लगा है वहाँ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तीन तीन फिल्टर लगे हुए, एक ये रहा, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर मोटर के आगे एक इधर है, अलग अलग है, कोई चार्ज ही नहीं होता कहीं जाने का। छोटे छोटे पाँच पाँच दस दस एकदम। ऑटो में चलाने के लिए सपोज हमने ऑफसेट ले लिया, एवरीथिंग इज रेडी, हम सबसे पहले ऑटो दबाएंगे, फिर सिंगल ब्लॉक दबाएंगे। सिंगल ब्लॉक का मतलब कि एक टाइम पे एक ही लाइन रीड करेगा, ये एक ही स्टेप चलेगा, एक ही स्टेप चलेगा। तो हम देखते चलेंगे कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं। कई बार ऑफसेट गलत हो सकता है, कई बार प्रोग्राम गलत हो सकता है। तो सिंगल ब्लॉक करने के बाद RPM आप कम कर दो, स्पीड को जीरो कर दो, और ये रैपिड यहाँ पे होता है 0, 25, 50, 100 रैपिड का, इसको आप 25 पे रख दो। अब मैं साइकिल स्टार्ट दबाता हूँ। प्रोग्राम का बटन दबा के चेक दबा दीजिए। अभी मेरा हाई प्रोग्राम 11 नंबर का पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम से जाके और OPR के मेन प्रोग्राम। अब ये बोल रहा है सेटिंग मेन प्रोग्राम फेल, क्योंकि हमने एडिटिंग में कोई प्रोग्राम खोला हुआ है, तो पहले हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए वापस यहाँ से बैक जाएंगे, OPR की तो ये दबाएंगे, तो क्लियर ये प्रोग्राम खोल के हमने प्रोग्राम ओपन करके OPR भी दबाएंगे, राइट वाला एरो दबाएंगे, BG मतलब बैकग्राउंड एडिटिंग, तो ये एंड होना जरूरी है जब आप सेलेक्ट कर पाओगे। अब प्रोग्राम दबा के 11 नंबर आ गया, OPR भी मेन प्रोग्राम, अब ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है सर। अब मैं ऑटो पे हूँ, सिंगल ब्लॉक है, ये मेरा RPM कम है, ये कम है, और मैं सिंगल ब्लॉक में दो चार लाइन चला के आपको बता देता हूँ इस तरीके से करते हैं। हमने मैसेज आ गया एडिट की नॉट ऑन, हमने प्रोग्राम चेंजेस वगैरह किए लेकिन एडिट की ऑन है, इसको हमें ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑटो में आ जाओ, ऑटो में प्रोग्राम वाली स्क्रीन पर आ जाओ, चेक दबा दो। चेक से क्या होता है, आपको एब्सोल्यूट पोजीशन पता चलती है, टूर कहाँ है। प्रोग्राम में आप ये देख लेते हो कि अगली लाइन में कहाँ जाना है, तो अंदाज़ा मिल जाता है उतनी दूर जाएगा या गड़बड़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सपोज मैंने पहली लाइन चलाई, मेरी पहली लाइन है PDNR, ये इस प्रोग्राम का नाम है PDNR ODI प्रोफाइल, ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम का नाम रख सकते हो। मैंने चलाया इसको, तो इसमें हमने X और Z को कितनी फीट दी है एक टर्निंग में वो बताता हूँ, 0.1 दी है इसमें। अब ये पहली लाइन हो गई, अब अगली लाइन जाएगा G20 0.0। प्रोग्राम मंगा लेते हैं, उसके बाद अब मुझे पता है ये सही है, मैं आगे अभी ये चला नहीं है, हालांकि मैंने जीरो किया हुआ है। अब मैं दबाऊंगा G20 0.0 हो गया, G28 हो गया, W0.0 मतलब X, W मतलब Z, आप UX 0.0 भी कर सकते हैं, और हाँ जो ड्राइंग भेजी है 30 रॉ मटेरियल 30 है। G28 की मैं आप X 0.0 भी यूज़ कर सकते हैं, W 0.0, और X और Z भी होता है, और U और W भी होता है। तो नॉर्मली हम U और W यूज़ करते हैं, U मीन्स फॉर X एक्सिस, W मीन्स फॉर Z एक्सिस।
अब ये यू हो गया, अब ये डब्ल्यू भी हो गया हमारा, जेड भी हो गया। और इसमें इन्होंने प्रोग्राम में क्या किया, पहले एक्स रेफरेंस हुआ है फिर जेड। कई प्रोग्रामर क्या करते हैं, एक्स और जेड एक साथ ले जाते हैं तो हिट कर सकता है, टेल स्टॉप अगर बीच में होता है तो। सो बेटर ये रहता है कि आप पहले एक्स को ही ले जाओ ऊपर, फिर जेड को, अलग अलग लाइन में। डेढ़ सौ एम एम बोल दो, लेंथ डेढ़ सौ चेंज कर देगा, 80 mm के हिसाब से करते बोलते, 80 mm के हिसाब से। अब ये सर टोल की कमांड क्या आ गया, अब ये बटन दबाओगे तो टोल चेंज होगा, टोल चेंज हो गया 6 नंबर। अब इस टूल के रेफरेंस से ये जेड माइनस 13 पे आएगा। अब मैंने इसको फिर 0 कर दिया, अब ये हमारा कमान आ गया G97 S800 M4, G97 स्पिंडल रोटेशन, S800 800 RPM, M04 800 या 2000 रखोगे अपने हिसाब से आप रखो सर, ये तो ट्रायल प्रोग्राम है। हाँ तो अच्छा चलो ठीक है, अब मैं ये चला दिया, अब ये रोटेशन पे आ गया। अब अगली कमांड है इसकी जेड माइनस 13.5, 800 जा, अब ये माइनस 13 जाएगा, मेरा यहाँ पे 100 है तो मैं यहाँ से देखूँगा एज्यूम करके कि इतना जा सकता है कि 38 हो गया, अभी भी देखूंगा सेफ डिस्टेंस है, अभी माइनस 5 आ गया। हाँ वही हो रहा है सर, एक प्रोग्राम कैसे चलाना वो बता रहा हूँ, ऑफसेट तो आपको बता दिया, माइनस 13 पे आ गया। अभी आएगा एक्स 8 पे, टूल आएगा नीचे एकदम आपका एक्स 12 पे आएगा 196 150 21 12 ठीक है अब आएगा 8 में 8.4। अब ये फीड में जा रहा है 0.3 की फीड है, इस तरीके से आपको अपना प्रोग्राम ऑपरेट करना है सिंगल ब्लॉक में। अब जो लगाओ, अगर आपको लगता है कि मेरे साइट में कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ जैसे एक कॉम्पोनेंट आपने बना लिया 1050 माइक्रोन का कुछ एरर आ रहा है, तो वो रियर ऑफसेट में डालेंगे, ऑफसेट रियर। सपोज आपको लगता है कि एक्स एक्सिस में मेरा 20 माइक्रोन बढ़ाना है प्लस, तो आप लिख दोगे ये X0.02 एक्चुअल वैल्यू 20 माइक्रोन मतलब 0.02 प्लस इनपुट, उस पर्टिकुलर टूल नंबर पे आने के बाद आपको करना है प्लस इनपुट। एक्स नहीं लिखना है, सॉरी जेड, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, आपके एक्स के लिए एक्स, जेड के लिए जेड। अब मैंने प्लस 0.2 किया तो ये बोल रहा है प्लस 0.2 इज ओके और नॉट, इनपुट ओके और नॉट, अगर मुझे लगता है ठीक है तो एग्जीक्यूट दबा दूंगा एग्जीक्यूट, यहाँ पे 20 माइक्रोन पड़ गया। सिमिलरली अगर जेड में कुछ करना है 30 माइक्रोन तो 0.03 प्लस इनपुट, ये पूछेगा 30 माइक्रोन प्लस इनपुट ओके, तो मैं बोलूँगा ओके। तो इस तरीके से आप ये ऑफसेट कर सकते हैं कभी भी, जब मशीन कर लिया होता है।